विभुपद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 456 456। आज पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी की पुण्यतिथि है। आज के दिन उन्होंने निकुंज गमन किया था। वे जब गीता वाटिका से आखिरी बार निकले तो दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद यहाँ उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया, तो यहीं दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में उनके प्राण गए। कईयों ने कहा कि बत्रा हॉस्पिटल पूरा जीवन वृंदावन वाटिका में निकला तो दिल्ली में प्राण कैसे छूटे। तो संतों ने कहा है कि संतों के हृदय में वृंदावन विराजमान रहता है, जहाँ वे प्राण छोड़ते हैं वहीं वृंदावन प्रकट हो जाता है। तो उन्होंने जब आखिरी बार जब वाटिका से निकले थे तो उन्होंने ये पद गाया था कि चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के जहन बिछोह कलेश सजनी, जहन चलवा पिय के देश सजनी। जहन ही आवन जावन कित हूँ, जहन ही आवन जावन कित हूँ, पिय संग नित मिलाप सजनी, जहन ग्राम्य चर्चा को डर कछु, जहन ग्राम्य चर्चा को डर कछु, जहन अजस को पाप सजनी, जहन अजस चलवा पिय के देश सजनी, चलवा जहन ही होत अंग संग कब हूँ, मिले रहे दिन रैन सजनी, मिले रहे दिन रैन सजनी, बिछुरत नाही एक पल मन सो, मृतक सजीवन मैन सजनी, मृतक सजीवन चलवा पिय के देश सजनी। सहज अकिंचन तन मन सगरे, सहज अकिंचन तन मन सगरे,
प्रियनेह सजनी आठुयाम धाम प्रियतम के आठुयाम धाम प्रियतम के बरसत रस को मेह सजनी जलवा पिय के देश सजनी राधा 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 भाई जी महाराज की जय अपने प्यारे भैया की जय पूज्य दादा की जय भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा का विचार, उसके बाद भक्त चरित्र। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, जहाँ आपका मन है वहीं आप हैं, जहाँ आपका मन है वहीं आप हैं। इस बात को गांठ बांधकर याद कर लें। यहाँ बैठे हुए यदि आप कलकत्ते की दुकान का चिंतन करते हैं तो आप असल में कलकत्ते में हैं। इसी प्रकार यदि शरीर यहाँ है पर मन शरीर को छोड़कर दिव्य वृंदावन धाम की लीला में है तो आप वृंदावन धाम में ही हैं। प्रारब्ध पूरा होने पर शरीर गिर जाएगा और आप सदा के लिए उसी लीला में सम्मिलित हो जाएंगे। सब कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस अटूट सिद्धांत को मानकर साधना में लगे रहने से ही उन्नति हो सकती है। आपके मन की दशा का तो मुझे ज्ञान नहीं, बाबा हमसे ही कह रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, इसी भाव से सुने कि हमसे कह रहे हैं। आपके मन की दशा का तो मुझे ज्ञान नहीं है कि उसमें क्या है,
पर मेरा तो यह विश्वास है कि जिस दिन आप यथार्थ में चाहने लगेंगे कि मेरा मन ब्रज लीला में फंस जाए, उसी दिन उसी क्षण अपने आप आपको मन के रोकने की नई नई युक्तियां सूझने लगेंगी कि ऐसे रोकें, ऐसे फंसाएं, ऐसे करें। नहीं होता है, इसमें प्रधान कारण है चाह में कमी है हमारी। मुझे अनुमान होता है कि वह व्याकुलता ही मन में शायद नहीं है अभी। कभी कभी सोडा वाटर के उफान की तरह चाह आती है ना। कभी कभी हम कह देते हैं भैया मुझे ब्रज लीला में फंसा दो, मुझे लीला चिंतन क्यों नहीं होता। कभी भाव आता है एक बार, उसके बाद थोड़ी देर आ करके जब तक भैया को पता नहीं चल जाता है इस बात का कि हमें उफान है, तब तक वो रहता है। और जैसे ही भैया को पता चल जाता है ना, अब काम हो गया, भैया तक हमारी वाहवाही पहुँच गई, और उसके बाद फिर वही ढाक के तीन पात। तो ये जो सोडा वाटर के उफान की तरह आता है, ये भी अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा बार आएगा उतनी ज़्यादा त्वरा हमारे दिल में लगी हुई है भगवान से मिलने की। बड़ा मुश्किल होता है तीव्र इच्छा का होना। लोगों को बरसों बरसों हो जाते हैं, 16 माला फेरते रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए दो आंसू नहीं आते। दिन भर में ये बात नहीं सोच पाते कि हमें श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं, भगवान से मिलना है, उनकी ब्रज लीला में प्रवेश करना है। दिन भर में एक बार भी तो याद आ जाए। आज एक संत सुना रहे थे, बड़ा अच्छा प्रसंग उन्होंने सुनाया। हरिशरण एक लड़का था, उसने क्या किया, कथा सुनता था, सत्संग सुनता था। जब सत्संग सुनता तो मन में एक बार चाह हो गई श्री कृष्ण से मिलने की, कि श्री कृष्ण से मिला जाए। बड़े सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके मन में श्री कृष्ण से मिलने की चाह उत्पन्न होती है। नहीं तो लोग बाग भक्ति को भी एक कर्मकांड की तरह लेते हैं। कैसे, 16 माला करी, खूंटी पे माला टांगी और उसके बाद सो गए, अगला दिन फिर तैयार हैं, फिर गए, फिर 16 माला करी। ये भी बड़ी मुश्किल बात होती है कलयुग में निभा देना, लेकिन निभ पा रहा है, ये भी संत कृपा है हमारे ऊपर। लेकिन अगर उनकी लीला में प्रवेश करना है, उनसे मिलने की त्वरा है, साक्षात दर्शन प्राप्त करने हैं, श्री कृष्ण से गले मिलना है, रूबरू होना है, तो उसके लिए कुछ त्वरा होती है कि प्रभु जी आपका गुण गाने वाले और होते हैं, आपके नाम पर मिट जाने वाले और होते हैं। तो एक बालक था, उसने सत्संग सुना, सत्संग में श्री कृष्ण की महिमा सुनी, श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन सुना। वर्णन सुनने के बाद वो उसको किसी ने बता दिया कि श्री कृष्ण वृंदावन में मिलते हैं। वो बालक चला गया, वृंदावन गया। वृंदावन गया तो वहाँ पर लोगों से पूछा, लोगों ने कहा भाई बिहारी जी में ठाकुर जी, तो बिहारी जी चले जाओ। बिहारी जी गए, वहाँ ठाकुर जी का दर्शन किया, पर जैसा वो मिलना चाहता था वैसा मिलना नहीं हो पाया। वो तो चाहता था श्री कृष्ण उससे बात करें, उससे गले मिलें, उसकी सुने, कुछ अपनी कहें। उसको किसी ने कहा राधा रमण चले जाओ, वो राधा रमण चला गया। राधा रमण जी गया, वहां पर भी वही बात हुई। फिर ऐसे वृंदावन के हर मंदिर में जा जा करके भगवान के दर्शन किए, पर तृप्ति नहीं हो पाई हृदय के अंदर, क्योंकि जैसी उसने कल्पना कर रखी थी कि भगवान रूबरू होते हैं, हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, वैसा मिलना नहीं हो पाया। जब ऐसा मिलना नहीं हो पाया तो वो रात्रि के समय, अच्छा अमीर घर का लड़का था, ऐसा नहीं था कोई मामूली हो। अच्छा एक संत कह रहे थे कि सारी अनुकूलता हो जीवन में, मतलब घर बार बढ़िया हो, वैष्णव परिवार मिल जाए और धन धान्य हो, ऐसी सब चीज़ें मिलने पर, अच्छा सुंदर रूप हो, उसके बाद भगवान से मिलने की त्वरा हो, ये बड़ी मुश्किल बात होती है। क्योंकि सुविधाएं मिलने पर साधना खत्म हो जाती है, सुविधा मिलने पर साधना खत्म हो जाती है। क्योंकि जहाँ जहाँ सुविधा आएगी वहाँ आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, और प्रमाद सब चीज़ खत्म कर देता है। तो अमीर घर का लड़का था, मन में आई
चलो रात्रि को ढूंढेंगे, कहीं तो मिलेगा। रास्ते में देखा तो एक चोर मिल गया। चोर मिला तो चोर ने कहा कि देखा उसके हाथ में अंगूठी सोने की थी, कड़ा भी था और एक सोने की चैन भी पहनी हुई थी उसने। तो चोर ने सोचा लूट लेता हूँ इसे। 15-16 साल का लड़का था तो उससे बोला, भाई रात में क्यों घूम रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तो श्री कृष्ण को मिलने आया हूँ। तो वृंदावन का चोर था, थोड़ा बहुत ज्ञान तो उसे भी था, उसने भी सत्संग दे दिया। कह रहे श्री कृष्ण ऐसे थोड़े ही मिलते हैं, श्री कृष्ण तो ये सोना गहना है ना सब उतार के फेंक दो और जो तुम्हारे पास सामान है ये सब छोड़ दो, तब श्री कृष्ण मिलते हैं। और जाओ केसी घाट पे बैठ जाओ, वहां मिलेगा श्री कृष्ण। महापुरुष के साथ घटना घटी थी केसी घाट का, श्री कृष्ण 5 रुपए में हम सबको उसने जमुना जी घुमा दिया था, है महापुरुष ऐसा ही बोला था। उसने कहा था मैं केसी घाट का श्री कृष्ण हूँ, अगली बार आओगे तो मैं ही पार लगाऊंगा। तो पार तो श्री कृष्ण ही लगाएंगे भैया। तो उस चोर ने कहा सारा सामान दे दे मुझे। तो वो बालक भी भोला भाला था, उसने क्या करा अपने जो सोने की अंगूठी थी वो उतार कर दे दी, उसके पास जो सामान था वो भी दे दिया चोर को। चोर ने कहा यहाँ जमुना जी के किनारे बैठ जा केसी घाट पे और आँख मीच ले, जब तक श्री कृष्ण ना आए आँख मत खोलना। भाई ऐसी बात बोल दी, वो लड़का बैठ गया। निर्मल मन जन सो मोहि पाव। तो निर्मल मन था वो बैठ गया बालक, बैठ गया तो महाराज 10-12 दिन हो गए उसे बैठे, उसने आंख नहीं खोली। कोई कुछ भी कहता पर वो आंख नहीं खोलता था, भूखा प्यासा। जब ऐसी स्थिति हो गई तो जब कोई अड़ जाता है तो भगवान उसकी सुनते हैं, पर अड़ना भी सच्चा होना चाहिए। ये नहीं आंख मीची सामने पराठा है खोल दी आंख, ऐसी खुशबू से ही आंख खुल जाती और मम्मी ने कह दिया कि पनीर का पराठा है, फिर तो आंख बंद ही नहीं होती है। पनीर रूप में भी तो भगवान ही है। भैया ने बताया था जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, तो क्यों ना पनीर में देख लूं पहले। रूप भी सुंदर है पनीर का, गोरा है। तो उस बच्चे ने आंख नहीं खोली, 10-12 दिन हो गए। जब आंख नहीं खोली तो राधा रमण जी को बड़ी चिंता हुई, ठाकुर जी को। उन्होंने अपने पंडे से स्वप्न में कहा कि जाओ केसी घाट पे एक बालक बैठा है, उसे कह दो, उसे कहो जा करके कि देख भाई वो जो ठग था ना वो चोर था जिसने तुझे यहाँ बैठने के लिए कहा है, तो उसकी बात मत मान, आँख खोल दे। तो पंडे जी सुबह सुबह गए, रघुनाथ जी आपको रिपीट कर देता हूँ, लेट आया ना। एक लड़का था वो कथा सुन करके उसके मन में आए वृंदावन जाके श्री कृष्ण से मिलने की। दिन में भगवान के दर्शन करे पर वैसे दर्शन नहीं हुए जैसा वो चाहता था मिलने वाले। तो रात्रि में घूम रहा था, रात्रि में एक चोर मिला, चोर ने कहा भाई ये सोने की अंगूठी उंगठी उतार, फिर श्री कृष्ण मिलते हैं, त्यागना पड़ता कुछ भगवान के लिए। था तो ब्रिजवासी चोर, तो ज्ञान तो उसमें भरा ही था। तो उसने कहा केसी घाट पे चला जा, वहां बैठ जा आंख बंद करके, जब तक श्री कृष्ण ना आ जाए तब तक मत खोलना। लड़के ने भी आंख बंद कर ली। राधा रमण जी को चिंता हुई, 10-12 दिन हो गए उस लड़के ने कुछ नहीं कहा था। ऐसे ही एक लड़का और था, हमने उनका चरित्र सुना है, बाल भक्त ओम प्रकाश जी का। कहा जाता है उनका चरित्र अगर कोई एक बार सुन लेना उसे पता चलेगा श्री कृष्ण से मिलने की त्वरा क्या होती है, कैसा रोना होता है श्री कृष्ण से मिलने के लिए और श्री कृष्ण कैसी परीक्षा लेते हैं। अच्छा कई लोग चरित्र सुन के कहते हैं भगवान तो बड़े कठोर हैं, हमसे कम कठोर हैं क्या, हम कितने ढीठ हैं, भजन नहीं करना चाहते, भगवान मिलने को आतुर हैं। आज स्वामी रामसुदास जी महाराज का प्रवचन पढ़ रहा था तो महाराज जी ने कहा कि कलयुग में भगवान की पूछ करने वाले लोग बहुत कम हैं, और जब किसी चीज की पूछ कम होती है तो वो सस्ती हो जाती है।
तो इसलिए भगवान सस्ते हैं इस समय, कलयुग में भगवान बहुत सस्ते हैं। अगर कोई सच में भगवान को चाहे तो भगवान मिलने के लिए आतुर है, वो तैयार बैठे हैं। स्वामी जी कहते हैं भगवान तैयार बैठे हैं, हमारी तैयारी नहीं है उनसे मिलने की। अभी भगवान आ जाए तो मैं कहूँगा अभी रुक जाओ, अभी तो राधिका का ब्याह करना है मुझे, है ना, और 36 काम उसको पढ़ाना है, ये करना है वो करना है, 36 बातें मैं भगवान से ही कह दूंगा। भगवान कहेंगे भेजा तुझे नहीं दूंगा दर्शन, फिर तो अभी बहुत कामना है। तो उस लड़के के बाल भक्त ओम प्रकाश जी का चरित्र एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। वैसे तो हम कथाओं में सुनते ही हैं, हमने सुन भी रखा है, फिर भी एक बार साधक को एकांत में स्वाध्याय करना चाहिए उस चरित्र का। उससे त्वरा बढ़ती है, व्याकुलता बढ़ती है भगवान से मिलने की। तो उस बालक ने 10-11 दिन प्रसाद नहीं पाया, तो पंडे को स्वप्न में राधा रमन जी ने कहा, बालक से बोलो जिसने तुम्हें ये आज्ञा दी है ना केसी घाट पे बैठ करके आँख मत खोलना, वो एक चोर था, ठग था। पंडा गया सुबह सुबह, जाके बालक से बोला, बालक ने नेत्र नहीं खोले, बालक ने आँखें बंदी करी रखी। उन्होंने बालक से कहा कि भाई आँखें खोल दो और कुछ खा लो। तो बालक ने कहा कि भाई मैं आँखें नहीं खोलूँगा जब तक श्री कृष्ण नहीं आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसे तो तुम प्राण त्याग दोगे। तो कहा कितने जन्म मैंने प्राण त्यागे हैं कभी संसार के लिए, क्यों ना ये जन्म श्री कृष्ण के लिए त्याग कर दूं। ऐसी बात उस लड़के ने बोल दी, पंडे के दिल पे चोट लगी। पंडा पुलिस में गया, पुलिस वालों से बोला ऐसे ऐसे बालक बैठा है, और उस चोर को बोला, वो चोर कह देगा ना कि मैं चोर था तो ये यकीन कर लेगा। तो चोर को ढूंढा गया, पुलिस वालों को खबर रहती है इस इलाके में कौन चोरी करता है। तो पुलिस वालों ने बुला लिया, जानकार था ही पुलिस वालों का वो चोर, सबका एरिया सेट होता है किस एरिया में कौन चोरी करेगा, और पुलिस वाले छोड़ भी देते हैं। तो उसको बुलाया गया, वो आया, आकर के वो चोर बोला बालक से, निष्ठा देखना इस बालक की, चोर बालक से बोला कि भाई मैंने तो ऐसे झूठ मूठ कह दिया था तेरे से, मैं तो चोर हूं। तो बालक ने क्या कहा, नहीं गुरुदेव आप ऐसा मत बोलिए, आपने तो मुझे श्री कृष्ण से मिलने का रास्ता बताया है। मैं जानता हूं आप अपने भजन को छुपाने के लिए, लोगों से अपने आप को छुपाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। बालक ने ऐसी बात बोली, और जब ऐसी बात बोली तो ऐसी त्वरा उस बालक की थी, तो उस चोर ने कहा नेत्र खोल लो भैया, नहीं तो तुम भूखे मर जाओगे। तो जैसे ही उसने नेत्र खोले ना, भगवान इतने प्रसन्न थे उनसे, उस बालक से, कि नेत्र खुलते ही श्री कृष्ण प्रकट हो गए, नेत्र खुलते ही श्री कृष्ण प्रकट हो गए, और तत्काल उस बालक ने प्राण छोड़ दिए, तत्काल उस बालक ने प्राण छोड़ दिए। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भैया, श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि उन्हें देख लेने के बाद जीव संसार को देखना नहीं चाहता है, फिर और क्या देखना बाकी रहेगा जब श्री कृष्ण को देख लिए, क्योंकि वे सर्व आकर्षक हैं, तभी उनका नाम श्री कृष्ण है। एक बालक और था, बिहार में कहीं उसका जन्म हुआ, और बिहार से वो बालक, उसके मन में आई, 5 साल का ही बालक था, और उसके मन में बात आ गई, कोई पूर्व जन्म का भक्त रहा होगा, लेकिन मन में एक बात आई कि मुझे भगवान से मिलना है। कोई गुरु नहीं था, कोई कुछ गाइडेंस नहीं थी उसके पास। उसने मन ही मन निर्णय किया कि मैं अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या जाके वहाँ सरयू जी के तीर के किनारे वहाँ भजन करूँगा, वहीं रह करके जीवन भर भजन करना है। जब ऐसी बात उनके मन में आई तो आ गए अयोध्या जी, सरयू जी के किनारे, जंगल था उस समय, ज्यादा बसावट थी नहीं, एक झाड़ी सी के अंदर बैठ करके वहीं भजन करने लगा, और भगवान से कह दिया मन ही मन, मेरे पास ना कोई गुरु है ना कोई मंत्र है, मैं बस राम जानता हूं, मैं बस राम जानता हूं, राम 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 राम, ऐसी धुन लगा दी उसने भजन की, और निरंतर वहीं बैठे बैठे भजन करने लगा। ऐसी त्वरा बढ़ी महाराज, वहीं पर अयोध्या में एक संत रहते थे, विरक्त सिद्ध संत थे,
वे भी वहाँ भजन करते थे। तो शुक मिर्च दी जाएगी तुझे बेटा, तो शुक है ना। तो क्या वो बालक राम 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 करने लगा? कोई गुरु नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, अपना एकांत में बैठ करके भजन। भजन करने वाले को रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता, रास्ता उस तक आ जाता है। एकांत में बैठकर भजन शुरू तो करें। ज्ञानी भगवान तक पहुंचता है और भक्त के पास भगवान आते हैं, भक्त के पास भगवान आते हैं। और ऐसा सुंदर बानक बनी, वो जो सिद्ध संत थे ना अयोध्या के, उनको हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने कहा कि भाई तुम विरक्त संत हो, सरयू जी के किनारे जाओ, वहाँ एक झाड़ी में एक बालक भजन कर रहा है, उसे जाकर गुरु दीक्षा दो। तो उन सिद्ध संत ने कहा कि मैं तो किसी को शिष्य बनाता ही नहीं। कह रहे तुम बनाते हो नहीं बनाते हो उसका मुझे पता नहीं, मैं कह रहा हूँ इसलिए जाओ, मैं कह रहा हूँ इसलिए जाओ। उन संत ने कहा ठीक है महाराज, हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, हनुमान जी की बात कोई टाल सकता है क्या? और ऐसी बात उन्होंने बोली तो गए। जा करके उस बालक से बोल ढूंढने लगे, पहले तो सरयू जी के किनारे, एक झाड़ी में से राम 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 की आवाज़ आ रही थी। वहाँ गए तो देखा नेत्रों में आंसू हैं और राम नाम का जप चल रहा है। तो उन्होंने उस बालक से कहा कि बेटा मुझे हनुमान जी ने कहा है कि तुम्हें दीक्षा देनी है। तो उन्होंने कहा जी महाराज आप दीजिए मुझे दीक्षा। तो महाराज जी ने बताया, आज मैं सुन रहा था, तो ये जो बालक थे ना, ये परमहंस स्थिति को प्राप्त किया इन्होंने, ऐसे सिद्ध संत बने। इनका नाम पड़ा रामानुज दास जी महाराज, कहते सिद्ध कोटि के संत बने। तो महाराज जी ने कहा मैंने ये बात क्यों बताई? कई लोगों का प्रश्न होता है अच्छे गुरु नहीं मिल रहे, मंत्र नहीं मिल रहा, क्या बिना गुरु दीक्षा के मंत्र नाम जप कर सकते हैं? बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि इन सब प्रश्नों का उत्तर यह है, तुम सही से ईमानदारी से भजन शुरू कर दो, गुरु तुम तक पहुंचा दिए जाएंगे, गुरु तुम तक पहुंचा दिए जाएंगे, ढूंढने की आवश्यकता नहीं गुरु जी को। आप भजन ईमानदारी से तो कीजिए, भजन करेंगे तो गुरु जी भी आ जाएंगे और भगवान भी आ जाएंगे, गुरु जी भी आ जाएंगे और भगवान भी आ जाएंगे। ऐसे भैया पूज्य मलुकपीठ सरकार ने एक बात बताई थी, कोटा में एक लड़की थी, छोटी उम्र की थी, एक बार कथा सुन रही थी भगवान की, भागवत कथा उसने सुनी। उस कथा में भगवान के स्वरूप का वर्णन सुन लिया। जैसे स्वरूप का वर्णन सुना तो मन में आया क्यों ना ऐसे श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए जाएं, ये मिलते कहाँ हैं, तो कहाँ ठिकाना है प्रभु का। तो किसी ने बताया कि गोवर्धन चले जाओ, वहां श्री कृष्ण मिलेंगे। ऐसी बात बोली तो भैया वो बालिका अपने माता पिता के साथ कोटा से इधर आई। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। जय नंदगांव।
जय जय श्री वृंदावन धाम, बोले राधा माधव सरकार की। तो बालिका ने भगवान के दर्शन के लिए गिरिराज जी आई और वहाँ पर एक संत हुए बड़े पुजारी जी महाराज और पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज, वे परिक्रमा लगा रहे थे। वहीं उनके वो बालिका जी जो थी अपने पेरेंट्स के साथ आई थी। बालिका रो रही थी खूब कि मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करना। उसकी स्थिति बड़ी विचित्र थी, आँखों में आंसू। तो बड़े पुजारी जी महाराज और भक्तमाली जी महाराज दोनों परिक्रमा में बैठे हुए थे, एक जगह विश्राम कर रहे थे। तो बड़े पुजारी जी महाराज जो थे ना, वो बड़े सज धज के रहते थे और भक्तमाली जी महाराज का वेश बिल्कुल साधारण था, कोई उन्हें संत ही नहीं कह सकता था वेश देख करके। तो माता पिता ने बड़े पुजारी जी महाराज को देखा तो उन्होंने सोचा कोई बहुत उच्च कोटि के संत हैं। तो उन्होंने जाके प्रणाम किया और बताया कि ऐसे ऐसे हमारी बेटी श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। तो बड़े पुजारी जी महाराज ने कहा कि बड़े महंत तो ये हैं भक्तमाली जी, इनसे बात कीजिए। उन्हें यकीन नहीं था कि ये संत भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमारी बेटी श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। तो जैसे ही भक्तमाली जी महाराज और बड़े पुजारी जी महाराज ने उस लड़की को देखा तो उसकी आंखें देखकर समझ गए कि हाँ, वाकई में श्री कृष्ण के दर्शन चाहती है। हमारे हाव भाव, नेत्रों की भाव भंगिमा और हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से पता चल जाता है कि हम श्री कृष्ण को पाने के लिए कितने लालायित हैं, कितने लालायित हैं, कैसी हमारी व्याकुलता है, कैसी हमारी रहनी है, वो हमारी मुखाकृति से पता चल जाती है। तो उन्होंने संत ने देखा, संत ने जैसे ही नेत्रों को देखा तो जान गए श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए आई है। और उन्होंने गिरिराज जी की तरफ इशारा किया, बेटी जरा उधर देखो, जरा गिरिराज जी में देखा तो महाराज हजारों गायें चली आ रही और मध्य में श्री कृष्ण और बलराम चले हुए आ रहे हैं। वो लड़की चलती चली गई साथ गिरिराज जी पे, भगवान के दर्शन हुए उसे। ये संतों का सामर्थ्य है और ये कथा का प्रभाव है। जिसका निर्मल चित्त होता है ना, उस पर कथा असर करती है और जब असर करती है तो उसके मन में भगवान के दर्शनों की व्याकुलता उत्पन्न करती है, मनोरथ जागृत होता है हृदय में। अपने वल्लभ कुल में मनोरथ होते हैं ना, ऐसे ही भक्त के हृदय में मनोरथ जागृत होता है कि यह आशा उर में रहे लगे न नयन निमेश, इकटक देखो भाव सो नटवर नागर वेश, दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे जिए के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, जिस दिन ये दूसरी लाइन हो जाएगी ना, तुम बिन रहो न जाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं हम भगवान के बिना रह रहे हैं, इसलिए भगवान भी हमारे बिना रह रहे हैं। जिस दिन हमारी ऐसी स्थिति होगी ना कि हम भगवान के बिना नहीं रह पाएंगे, उस दिन भगवान भी हमारे बिना नहीं रह पाएंगे। अच्छा, भगवान को कहीं से आना है? कहीं से नहीं आना। कल भैया कह रहे थे ना, हृदय सन्निविष्ट, यहीं बैठा है, यहीं सामने प्रकट होगा, बिल्कुल सामने, यहीं, कुछ नहीं। नेत्रों से संसार का पर्दा हटेगा और उधर का उठेगा, तत्काल नेत्रों के सामने होंगे भगवान। बस ये त्वरा जागृत हो जाए किसी तरीके से। बाबूजी का एक पद है ना, कौन सा है, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है, तन मिलन आज मेरो हिवड़ो उछलो आवे है, तड़प रहे जो मछली जल बिन क्यों अब और सतावे।
दरस दिखाने में देरी कर, क्यों अब और सतावे। ऐसे तो जिसके हृदय में व्याकुलता है उसके लिए भगवान भी व्याकुल है। भक्त जब रुदन करता है तो भगवान वृक्ष के पीछे छुप छुप कर देखते हैं क्या रुदन कर रहा है। भगवान रस लेते हैं। एक संत कह रहे थे भक्त जब रोता है भगवान के विरह में तो भगवान को बड़ा आनंद आता है। भगवान और बढ़ाते हैं विरह को जानबूझ के, क्योंकि भगवान को भी तो चाह है ना। क्योंकि भगवान तो अचाह है, भगवान को कोई चाहना नहीं होती, है चाहना। भक्त के भावों को ग्रहण करते हैं भगवान, रस लेते हैं भक्त के भावों का। जब भक्त रुदन करता है ना हा कृष्ण कह करके, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मोर प्राण धन, कहाँ मोर प्राण धन ब्रजेंद्र नंदन, ऐसे कह कह करके रुदन करता है भक्त, तब व्याकुलता बढ़ती है। तो भगवान भी अकुला जाते हैं हमसे मिलने के लिए। और जब भगवान हमसे आके मिलते हैं ना, भगवान को जितनी प्रसन्नता होती ना उतनी हमको नहीं होती। भगवान ज़्यादा व्याकुल है हमसे मिलने के लिए, और भगवान हमारी तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। भगवान आ रहे हैं, भगवान हमसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने तिथि नियुक्त कर दी है। पूज्य रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि भगवान ने उसी दिन तिथि नियुक्त कर दी जिस दिन गुरुदेव मिले थे हमें। मिलने की डेट तय है, समय तय है, बस अब क्या करना है हमें, उस क्षण का इंतजार करना है जब भगवान मिलेंगे। इंतजार कैसे करना है, उनके लिए रो रो करके, उनके गुणानुवादों को सुन सुन करके, उनकी लीलाओं में निमग्न हो करके, ऐसे आनंद लेना है, और समय का कालक्षेप करना है। एक संत कह रहे थे मर करके मिले तो क्या मिले, जीते जी इन लीलाओं का रसास्वादन करना चाहिए। घनश्याम दास ठाकुर जी ने पूज्य राधा बाबा से कहा, बाबा मुझे भगवान कब मिलेंगे? बाबा ने कहा मृत्यु के समय मिल जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा मृत्यु के समय मिले तो क्या मिले, मुझे बताओ कब मिलेंगे? कहें पर्याप्त समय पहले मिल जाएंगे। तो घनश्याम दास ठाकुर जी ने कहा पर्याप्त समय की कोई सीमा थोड़ी होती है, मुझे ये बताओ कितने समय पहले मिलेंगे, कोई अवधि दो। तो बाबा ने कहा 3 साल पहले तुम्हें भगवान चलते फिरते दिखाई देने लग जाएंगे। तो घनश्याम दास ठाकुर जी महाराज को मृत्यु से 3 साल पहले जब वो लोई मार्केट में, लोई बाजार में, वृंदावन में जाते थे ना सामान लेने, तो लीला चिंतन दिखता था खुली आंखों से, और खंभे से टकरा जाते थे सामान लेने जाते थे, ऐसी स्थिति हो जाती थी। कहाँ था मैं, किस कथा को बता रहा था? हैं? अच्छा, भगवान मिल गए उस बालिका को। देखो सत्संग का बाड़ा बहुत आवश्यक है। हम लोगों के भावों को बचाने के लिए हम जितने जितने आगे बढ़ेंगे ना उतना तगड़ा सत्संग का बाड़ा चाहिए, क्योंकि प्रसिद्धि बहुत बड़ी चीज है। प्रसिद्धि जब आती है ना सब कुछ खा जाती है, सारी सिद्धियों को निगल जाती है प्रसिद्धि। सच बता रहा हूँ मैं, आपसे 4 बात कोई कह दे कि आप तो, अरे वाह वाह वाह, आपकी आवाज़ तो कोयल से जैसी, कोयल सी तेरी बोली, खा ले बेटा प्रसिद्धि की गोली। और जैसी गोली खाएगा वो गया काम से। 4 लोग तारीफ कर दें तो सीना फूला फूला सा रहता है, उधर ना मैं साहब बन गया। वो नहीं बोलूंगा मैं। चलो एक बात बताता हूं, एक कंडू मुनि हुए हैं। हम सब लोगों को सावधान रहना चाहिए। पूज्य प्राची दीदी ने कहा था कि साधक पुरुषों को साधक स्त्रियों से ही खतरा है, और साधक स्त्रियों को साधक पुरुषों से खतरा है। तो इसलिए पुरुष साधक पुरुषों में ही सत्संग करे बैठ करके, किसी से कोई मतलब नहीं। एक स्थिति बताता हूँ, आज का विचार भी मैंने कुछ भेजा था भाई जी का। तो जो कंडू ऋषि थे बहुत तपस्वी थे। बाबूजी कहते हैं कि वासना एक ऐसी चीज है जो छुपी रहती है साधक के भीतर, मरती नहीं है, छुपी रहती है।
दब जाती है सत्संग और कीर्तन और नाम जप के प्रभाव से, ये वासनाएं छिप जाती हैं, पर जब इन्हें अनुकूल संग मिलता है तब ये उभर करके आती हैं। जब साधक, मान लो कोई साधक है, उसने मोबाइल में कोई दृश्य देखा तो उसे मोबाइल से वासनाओं वाला वातावरण मिलता है तो उसका पतन हो जाता है, बच नहीं पाता है, क्योंकि उस समय वो वातावरण हावी रहता है। ऐसे ही मल्लुकपीठ सरकार ने कहा, जब भी कोई साधक रहे तो 4-6 भक्त मूर्तियों के मध्य में रहे, अकेले नहीं रहना चाहिए साधक को, कभी शयन भी करे तो अकेले ना करे, 2-3 साधक उसके साथ रहने चाहिए, अगर वो ब्रह्मचारी साधक है। और कोई ज़्यादा एकांत ढूंढ रहा है ना तो समझ लेना कहीं गड़बड़ है कुछ, मुझे एकांत में रहना है, मैं तो अलग कमरे में ही सोऊंगा, मत सोने दो, कह दे अकेला सो, मोबाइल नहीं मिलेगा, मोबाइल में सो बेटा आराम से सो। अब तो नींद नहीं आती है साधकों को, बिना इंस्टाग्राम देखे जब तक 2-4 घंटे इंस्टाग्राम में ना बीत जाएं, मैं तो भक्ति की रील देख रहा था, अरे भाई प्रभु मत देख रील, तेरे जीवन की रील खराब हो रही है। तो बाबूजी ने कहा कि वासनाएं कभी भी वेग मार जाती हैं, आवेग आ जाता है। एक बार कंडू ऋषि जी हुए, बड़े तपस्वी थे, त्रिकाल संध्या करते थे और इतना तप था महाराज, ऐसा साधन भजन था जीवन, बिल्कुल तपे हुए महात्मा एकदम, और उनके तप से प्रभावित हो गए इंद्रदेव जी। इंद्र जी को लगा ये हमारे आसन पर कब्जा करेगा क्योंकि इसकी तपस्या बहुत तेज चल रही है, तो उन्होंने एक अप्सरा को भेजा, अप्सरा आली, और वो अप्सरा जी आई, ब्रह्म लोचा जी, उन अप्सरा को भेजा, जब जब साधन बढ़ेगा तब तब अप्सरा आएंगी, यहाँ तो अप्सरा कोई है ही नहीं क्योंकि हमारे लिए अप्सरा की जरूरत नहीं है, हम तो काम वाले पे ही मर मिटते हैं, पूज्य मल्लुकपीठ सरकार ये कह रहे थे, हम तो नौकरानियों पर ही नज़र डाल देते हैं, हमें अप्सराओं की जरूरत नहीं है, हमें तो हर कोई अप्सरा ही नज़र आती है क्योंकि वासना में दृष्टि हो गई है, साधन भजन कम है। तो भाई जी ने विचार भेजा था, कहा कि साधक को कभी भी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, एकांत में तो बिल्कुल नहीं कर, सत्संग मत दो, कोई उद्धार का ठेका तुमने लिया नहीं, कोई तुम्हारा संबंध नहीं किसी से, मैं सत्संग भैया की खास बात बता रहा था, उन्हें भैया बता देंगे, YouTube के माध्यम से सुन लेंगे, सामने बैठ के सुन लेंगे, एकांत में मत बताओ। और तो और तुम्हें पता है रघुनाथ जी का क्या स्वरूप है, तुम मुझे ना रात को 11 बजे फोन करना, मैं तुम्हें रामकृष्ण का स्वरूप बताऊंगा। अरे भाई स्वरूप संभाल ले पहले अपना, इंसान बन जाओ, साधक भी नहीं अभी तो इंसान बन जाओ, सबके स्वरूप ज्ञात करवा दे, मुझे ही नहीं पता मेरा स्वरूप, किसी ने मुझे भेजा आपका ये स्वरूप है, मैं तो अच्छा मैं भी अपने स्वरूप में स्थित होऊंगा तब बात करूंगा आपसे, मैं अभी स्थित नहीं हूँ। अरे क्या जरूरत है किसी का स्वरूप बताने की, अपना स्वरूप सिद्ध कर लो, आदमी का वो स्वरूप तो बाद में पता चलेगा, अभी मनुष्यत्व को प्राप्त हो जाओ, पहले मनुष्य बन जाए पहले हम। तो जो ऋषि थे महाराज भजन कर रहे थे और महाराज प्रमलोचा जी एक अप्सरा आई, और जैसे ही अप्सरा आली तो महाराज जी की बुद्धि आली, तो महाराज जी ने जैसे ही देखा तो महाराज जी को उन्होंने थोड़ा सा अपने वो कहते हैं ना कि मतलब हाव भाव दिखाए अप्सरा ने, और कामदेव जी ने बुद्धि का हरण कर लिया, और जैसे ही हरण किया तो महाराज वो जो कंडू मुनि थे उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास रहो 1 साल के लिए, 1 साल के लिए मेरे पास रहो, और महाराज उन्होंने वहाँ वो अप्सरा रहने लगी। 1 साल हो गया तो उस अप्सरा ने कहा अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। अच्छा, उनका कंडू मुनि जी का तेज इतना था, इतना प्रभावशाली थे वो प्रमलोचा, अप्सरा डरती थी कि ये श्राप ना दे दे मुझे, तो उन्होंने कहा तुम यहीं रहोगी अभी 1 साल और। ओ भाई, ऐसे करते 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 महाराज सदियाँ बीत गई,
वो सुबह सुबह आई थी। और देखो भक्त का पतन तो होता है, पर उसने भजन किया होता है ना, तपा हुआ, अगर सच में उसने असली भजन किया होता तो भजन उसे याद जरूर दिलाता है। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने अप्सरा से कहा कि मैं अभी आता हूँ, मैं संध्या कर आऊँ। आज पता नहीं कैसे उनके मन में संध्या करने की आई। तो प्रमलोचा जी ने कहा कि संध्या कर आऊँ, महाराज जी कितनी संध्याएं निकल गई। कह रहे हैं, कहने लगे, अरे नहीं मैं सुबह ही तो संध्या करके आया हूँ, अब शाम की करूँ। कह रहे माना कि मैं सुबह आई थी, पर कौन सी सुबह आई थी आपको याद नहीं है? 908 वर्ष बीत चुके हैं उसे, 908 वर्ष 6 महीने 3 दिन कुछ ऐसे उन्होंने बताया कि इतना समय व्यतीत हो चुका है, कहाँ संध्या, क्या याद है आपको? और महाराज ऐसा बोला तो तत्काल तेज जागृत हुआ हृदय का, भक्ति जागृत हुई एकदम से भीतर से, यार मैं तो ऐसा तपोनिष्ठ महात्मा था। तो तत्काल उन्होंने उसे प्रमलोचा को डांटा कि तुमने ये सही नहीं किया मेरे भजन में विघ्न डाल करके, तुम्हें किसने भेजा था? और उन्होंने खूब अच्छे से डांटा। और उन प्रमलोचा जी से उनके पुत्री भी हुई थी। तो जब डांटा तो फिर वो अप्सरा चली गई। महाराज जी ने, उन्होंने पहले तो डांटा, फिर कंडू मुनि जी ने कहा कि गलती तुम्हारी नहीं है, मेरे भजन में कुछ कमी रह गई, शायद मेरे भजन की कमी थी, कहीं साधना में कोई विघ्न रह गया, कोई वासना रह गई मेरे भीतर, इसलिए मेरा पतन हुआ। और इतना रुदन किया, जब साधक सच में किसी बात के लिए रोता है ना तो उसके पाप का क्षमन तत्काल होता है। हम रोते भी नकली हैं, हम रोते भी नकली हैं। मान लो कुछ गलती हो गई तो भैया से जाके कहते हैं, भैया इस बार माफ़ कर दो, 2-4 आंसू, भैया संत हृदय नवनीत समाना, भैया माफ़ कर देते हैं, अगले दिन फिर नए पाप करने के लिए तैयार बैठे। असली प्रायश्चित नहीं होता है, असली प्रायश्चित होता है तो उसी दिन से साधना जितने पहले तेज नहीं चल रही थी उससे ज़्यादा तेज चलती है साधना, अगर असलियत में प्रायश्चित हो जाता है साधक का। तो कंडू मुनि जी ने प्रायश्चित किया और महाराज वहां से जगह छोड़ करके चले गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी गए और पुरी में जाकर के नित्य भगवान के लिए रुदन करना, भगवान के दर्शनों की लालसा। और जब ऐसी लालसा बढ़ती है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बात ये नहीं है भगवान ने देखा ही नहीं उनके पापों की तरफ, उनसे क्या पतन हुआ, उनका क्या नहीं हुआ, उनके हृदय में जो बात आई, ठाकुर जी ने कहा कि अब तू निर्मल मन का है, और भगवान जगन्नाथ ने उन्हें दर्शन दिए। महाराज भगवान जगन्नाथ ने उन्हें दर्शन दिए और फिर उनका जीवन भजन में निकला। महाराज एक बार पूज्य प्रिया शरण बाबा बरसाने वाले भजन कर रहे थे तो उनसे किसी ने पूछा, महाराज जी आपकी अनुभूति बताओ, आप इतने सालों से बरसाने में रहकर भजन कर रहे हैं। तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, हमारा बड़ा चाव होता है साधकों का, उसका अनुभव सुन लो, उसका अनुभव सुन लो, क्यों कि 2-4 को और बताऊंगा तो पता चलेगा मुझे अनुभव पता है इन्हें, इनके है ना, मन में एक छुपी बात रहती है भीतर भीतर। अब गिरधर प्रभु मेरी तारीफ करें, भाभी आप ध्यान में मत दीजिएगा, अगर भैया तारीफ करते हैं किसी साधक की, मेरी करते हैं मान लो किसी बात को लेकर, हमारे चेहरे पर कैसा भाव होना चाहिए जैसा विनीत भैया के मुख पर आता है, उन्हें अपनी प्रशंसा सच में अच्छी नहीं लगती। और हमारी जब भैया तारीफ कर देते हैं, अंगद दास क्या बात है, तो एक किलिंग स्माइल आती है साइड से, साइड से एक किलिंग स्माइल आती है, क्यों, मैं सच में ऐसा हूँ भैया जैसा आप कह रहे हैं, आपने मेरे यथार्थ स्वरूप को जान लिया भैया, अब आप असली गुरु हो गए। अरे पता कर लो भैया आ रहे हैं नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, पहले क्यों नहीं बताया, 5 मिनट एक्स्ट्रा बुलवाया सत्संग, मैं कल सुना था इस सत्संग को, अच्छा मैंने पूछा नहीं, चलो। कल हमने सुन रहे थे गुरु छोना जी का चरित्र सुन रहे थे,
फटाफट 2 मिनट का है वो कंप्लीट कर देते, ज़्यादा नहीं लगेगा समय, आप टेंशन मत लो, आपके इंस्टाग्राम का टाइम मैं नहीं लूँगा। ये हरी बोल बहुत अच्छा लगता मुझे गौरांग गुरु का। अच्छा तो कल गुरु छोना जी को महात्मा चरणदास जी ने क्या कहा, उन्होंने नाम की महिमा बताई और गुरु छोना जी ने कहा अगर मेरे घोड़े से भगवान नाम कहलवा दो तब मैं मानूं कुछ नाम की महिमा है। तो चरणदास जी ने तब घोड़े पर कृपा दृष्टि डालते हुए कहा बेटा कृष्ण नाम कहो, घोड़े से बोला बेटा कृष्ण नाम कहो, घोड़े ने तत्काल कृष्ण नाम का 3 बार उच्चारण किया। यह देखकर वो जो बालक था ना जिसको गुरु छोना नाम दिया गया, तो किशोर को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका संशय चला गया भगवान के नाम के प्रति, साथ ही कृष्ण नाम का दीपक उसके हृदय में सदा के लिए जल उठा। ये जो किशोर था ये कौन था, कल ही पूरा करूँगा, थोड़ा बस यही बता दूँ, ये जो किशोर बालक था इसका जन्म जयपुर में हुआ था, अलवर की सरहद पर देलावास नामक एक गांव है क्षत्रियों का। इनके पिता बादशाही फौज में सवार थे, वह उनके साथ दिल्ली में रहता था और घर बड़ा धन धान्य से भरा पड़ा था, नौकर चाकर सब चीज़ें थीं, इसलिए उसका पालन राजकुमार की तरह हुआ था, पर उसके आध्यात्मिक संस्कार प्रबल थे। जन्म से ही आत्म अनुसंधान करने की उसकी प्रवृत्ति थी, आत्मा परमात्मा के विषय में उसकी जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। घर का ऐश्वर्यशाली वातावरण होते हुए भी उसकी आध्यात्मिक जिज्ञासा को दबा नहीं सका, उसकी जिज्ञासा चरम स्थल तक पहुंच चुकी थी, प्राण सत्य की उपलब्धि के लिए छटपटा करने लगे थे। तभी सत्य स्वरूप श्री चरणदास जी महाराज के उसे दर्शन हुए थे। कल मैंने बताया था ना, चरणदास जी सत्संग कर रहे थे, वो घोड़े पर जा रहा था, चरणदास जी ने जैसे ही देखा कहा महल तो बहुत सुंदर है पर अंधेरा है भीतर, है भीतर अंधेरा है, तो वो रुक गए थे किशोर, उन्होंने कहा था क्योंकि दिल पर बात लगी थी ना, तो उनके दर्शन करने को मिले उन्हें चरणदास जी के, उसे लगा कि जैसे कोई बिछड़े हुए निष्प्राण वापस आ गए हों, इसलिए उनके चरणों में आत्मसमर्पण सदा के लिए उनके पास रह गया और साथ ही घुड़सवारों से कहा तुम घर वापस चले जाओ, अब मैं चरणदास जी के साथ ही रहूँगा, अब नहीं आता, अब नहीं आता। अच्छा घर जाकर घुड़सवारों ने बताया तो माता पिता सन्न रह गए एकदम से कि ये क्या हो गया, पर उनके कहने सुनने और रोने धोने का भी उस पर कोई असर ना हुआ। अब ये नहीं कि घर जाकर के माता पिता से कहो मैं जा रहा हूँ, जा नहीं पाओगे, जीवन में सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि वैसी भक्ति है नहीं अभी हमारी, पर ये ना सोचे हो नहीं सकती, हो सकती है पर अभी नहीं है, अभी सत्संग सुनो 50-60 जब तक कथाएं ना सुन लो, भक्तमाल ना सुन लो, तब तक ये मत सोचना कि भगवत प्राप्ति की लालसा है तुम्हारे भीतर, है ना, दिमाग में ऐसा गर्म लोहा घुस जाना चाहिए कि तंतु हिले ना, बार बार मन बार बार यही कहे भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है। चरणदास जी के पास उनके आश्रम में चला गया बालक और आजीवन उनकी सेवा में रहकर जीवन यापन करने का अपना संकल्प चरणदास जी से व्यक्त कर दिया। चरणदास जी ने उन्हें शिष्य बना लिया और नाम रखा गुरु छोना। गुरु छोना को गुरु ने अपने छोना की तरह प्यार किया, उन्हें योग ज्ञान आदि सिखाकर भक्ति साधना के लिए तैयार किया। योग अभ्यास करते करते कुछ ही दिनों में उनकी स्थिति विचित्र हो गई, अखंड समाधि तक लगने लगी। उनके शिष्य अखय राम जी ने उनकी स्थिति का वर्णन किया, गुरु छोना के भी शिष्य हुए अखय राम जी, उन्होंने कहा हमारे गुरु समाधि लगाई, सोवत खात उठत और बैठत टरतन नेक टराई,
बिन आसन बिन संजम साधन अलख रूप दर्शाई, कि बिना संजम साधन के अलख का रूप दर्शन करा दिया। ऐसे तो गुरु चेले हैं, ऐसे तो चेले हैं। अब यहाँ मैं गिरधर को शिष्य बना लूं, ये तो है ही मेरा शिष्य, मान नहीं रहा पर मैं ठाकुर हूं। मैंने को मेरे छोना, जिसको छोना कह दिया वही भजन छोड़ देता है, यहाँ बड़ी गड़बड़ है। जिसको बाबू छोना बना लिया फिर वो छोना ही हो जाता है, उसे छू नहीं सकता कोई बंदा, फिर उसे भजन के लिए कह नहीं सकता कोई। तो छोना कैसा होना चाहिए? गुरु छोना की तरह होना चाहिए, अलख लगी रहे हृदय में भीतर भगवान। अच्छा ये मजाक था, कोई बुरा ना माने, पर मान भी लो तो कोई बात नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे कल सुनेंगे महाराज। आज हमारे उद्धव जी के लाला है।